prepping मैं already कर चुकी हूँ. I had to literally get ready in 10 minutes because I was getting late and I also hired a hairstylist for this day. Starting off by color correcting around my lips, I'm using an orange color corrector. Going to blend that using my fingers. Next up मैं use कर रही हूँ pore filling and mattifying primer on my T-zone area. बहुत ही humid weather था and this really helped my makeup to last long. For foundation I'm going to use Maybelline Superstay Lumi Matte and Estee Lauder Double Wear Foundation. जो Lumi Matte है ना वो हल्का सा oxidize हो जाता है और मेरी स्किन पे एक शेड डार्कर दिखने लगता है, इसलिए आई हैव बीन मिक्सिंग सम अदर फाउंडेशन विद दिस फाउंडेशन. इन दोनों फाउंडेशन को जब मैं मिक्स करके अप्लाई करती हूँ ना, इतना सुंदर फिनिश आता है स्किन पे. आई वेंट फॉर अ फुल कवरेज लुक बट आई केप्ट द मेकअप बेस लाइट वेट. आई मीन कवरेज अच्छा था बट लाइट वेट था वो. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज Maybelline एज डिवाइन कंसीलर इन द शेड कैरेमल टू कलर करेक्ट अंडर माई आईज एंड ऑल्सो टू हाइड दी अंडर आई डार्क सर्कल्स. दिस कंसीलर इज अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन. आई एम नॉट गोइंग टू हाईलाइट अंडर माई आईज टुडे. फेस को सेट करने से पहले मैं यूज करूंगी ड्यूई लिक्विड ब्लश. दिस इज कॉल्ड टर्किश डिलाइट बाय पैक एक्सारा. सो आई अप्लाइड द ब्लश नियर माई चीक बोन्स, ऑल्सो अप्लाइड दैट ऑन माई नोज एंड माई चिन एंड गोइंग टू ब्लेंड इट इन द अपर डायरेक्शन टू गिव अ लिफ्टेड लुक टू माई फेस. दिस लास्टेड सो वेल ऑन माई फेस. आई डांस्ड, आई रोम्ड अराउंड, आई वॉज रनिंग, इट वॉज ह्यूमिड वेदर. इन माई पाउडर पफ आई एम गोना टेक माई कॉम्पैक्ट. आई एम गोइंग टू रिमूव द एक्सेस इन द बैक ऑफ माई हैंड. पहले अंडर आई को सेट करूंगी. दूसरे साइड पे ना क्रीसिंग आ गई थी तो पहले मैंने उसको अच्छे से रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ माई कंसीलर ब्रश एंड देन आई एम गोइंग टू सेट माई अंडर आईज अगेन. उसके बाद थोड़ा सा और पाउडर पिक करके आई एम गोना सेट माई एंटायर फेस, माई ब्लश एज वेल. गोइंग टू यूज हुला ब्रॉन्जर टू कॉन्टोर माई फेस, कॉन्टोरिंग माई चीक बोन्स, माई जॉ लाइन. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, व्हेन यू कॉन्टोर वेल आपके पिक्चर्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं. आई ऑल्सो कॉन्टोर माई फोरहेड एंड आई पिंच द ब्रश एंड कॉन्टोर माई नोज एज वेल. आईज के लिए मैं कूल टोन मॉफ पिंक आई शेडो ले रही हूँ. गोइंग टू अप्लाई दिस ऑल ओवर माई क्रीज लाइन एंड देन आई एम गोइंग टू यूज अ वार्म टोन मैट मॉफ पिंक आई शेडो एंड गोइंग टू अप्लाई दैट ऑल ओवर माई आईलेट. फिर एक छोटे से फ्लफी ब्रश में आई एम पिकिंग डीप बर्गंडी शेड एंड गोइंग टू अप्लाई दैट वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन एज अ आई लाइनर. आई एम अप्लाइंग दिस. यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज विद इट बट वी आर गोइंग फॉर अ स्मोकी बर्गंडी आईज. आईज को हल्का सा स्क्विंट करके आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट सेम शेड ऑन माई लोअर लैश लाइन एज वेल. थोड़ा सा थिक अप्लाई कर रही हूँ मैं. दिस इज सो फार हाउ माई आईज आर लुकिंग. आई एम गोना डू दी अदर आई ऑफ कैमरा. सो हर बार मेकअप में एक उम फैक्टर बताती हूँ. यहाँ पे उम फैक्टर ये कि आई एम गोइंग टू टाइट लाइन माई अपर लैश लाइन. दिस इज गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द आई लुक. माई आईज आर गोना लुक फुलर और हल्का सा ब्लैक बर्गंडी स्मोकी लुक मुझे मिलेगा. गोइंग टू कर्ल माई आई लैशेज. ट्रस्ट मी दे डू मेक अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस. फिर खूब सारा वाटर प्रूफ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा. ये मस्कारा ना 2 महीने पुराना है तो हल्का सा सूख चुका है. सम हाउ दिस मस्कारा गिव्स मोर फुलर इफेक्ट टू द लैशेज सूखने के बाद. आई डोंट नो इज जस्ट मी और आपके साथ भी इस मस्कारे के साथ ऐसा होता है. लोअर लैशेज पे मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा पाउडर ब्रश भी एड कर रही हूँ अपने फेस पे. यू नो व्हेन यू लेयर योर ब्लश, जब पाउडर ब्रश हट जाएगा ना तो लिक्विड ब्लश रहेगा स्किन में. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कॉम थ्रू माई आईब्रोज एंड देन विल स्टार्ट फिलिंग अप द स्पार्श एरिया ऑफ माई आईब्रोज. सामने सामने हल्के हल्के स्ट्रोक में मैं फिल कर रही हूँ और आईब्रो आर्क एरिया में हल्का सा प्रेशर मैंने ज्यादा दिया. आफ्टर फिलिंग अप माई आईब्रोज आई एम गोइंग टू सेट माई आईब्रोज इन प्लेस यूजिंग आईब्रो जेल. ये मस्कारा ना अच्छे से आईब्रो के बाल को सेपरेट कर देता है विच आई लाइक. फिर छोटे से पेंसिल ब्रश में आई पिक्ड माई हाईलाइटर. गोइंग टू अप्लाई दैट ऑन द इनर कॉर्नर. पिंगी फिंगर की मदद से क्रीज लाइन पे हल्का सा ब्लेंड किया. गोइंग टू हाईलाइट माई आईब्रो आर्क एरिया, द ब्रिज ऑफ माई नोज. फिर फैन ब्रश में हाईलाइटर को पिक करके आई एम गोइंग टू हाईलाइट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस, दैट इज माई चीक बोन एरिया एज वेल. फिर सेटिंग्स में से पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करूंगी. फिर वेट एंड वाइल लिप लाइनर से लिप्स को आउटलाइन किया. गोइंग टू फिल अप माई लिप्स विद दिस एज वेल. ये लिप लाइनर काफी जगह आउट ऑफ स्टॉक है, इसका एक अल्टरनेटिव आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड देन आई यूज द शेड रानी सा बाय माई ह्यूज. अपने लोअर और अपर लिप पे अप्लाई करने के बाद आई यूज द शेड सांगरिया बाय लैक्मे जस्ट ऑन द सेंटर ऑफ माई लिप्स टू गिव दैट लिटिल फुलर ओम्ब्रे इफेक्ट टू द लिप्स. देन आई वॉर माई इयररिंग्स, दीज आर बाय Swarovski एंड हो गया लुक कम्प्लीट. दिस इज सच अ सिंपल इजी टू डू ब्राइड्समेड मेकअप लुक. जैसे कि मैंने बर्गंडी के साथ हल्का सा स्मोक आउट लुक किया, आप ब्राउन टोन आई शेडो के साथ भी कर सकते हो, वो भी काफी खूबसूरत लगेगा. दिस मेकअप लास्टेड ऑन माई फेस फॉर अप टू 7 to 8 hours एंड दिस इज माई ब्यूटिफुल ब्राइड्समेड आउटफिट. आई गॉट इट स्टिच्ड बाय बेस्टी रिया, जिसकी मलयाली वाइट वेडिंग के लिए मैं ब्राइड्समेड थी. उसने हम सारी ब्राइड्समेड को कपड़ा भेजा था स्टिच कराने के लिए. द एंटायर लुक टर्नड आउट टू बी सो गुड. आई होप यू लाइक द आउटफिट एंड द मेकअप. मैं आपसे फिर मिलूंगी विद ब्रांड न्यू कॉन्टेंट एंड मेकअप ट्यूटोरियल. बाय एवरीवन, टेक केयर.